नमस्कार दोस्तों, आपका स्टॉक मार्केट में आपका स्वागत है। आज जो हम तीन स्टॉक देखने जा रहे हैं वो स्विंग ट्रेड के लिए बेहतरीन स्टॉक है और अच्छा खासा इसमें ब्रेकआउट भी दे दिया है। चलिए देख लेते हैं इसके टारगेट और स्टॉप लॉस क्या निकल के आ रहा है और ये कौन सा पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं। जो हमारा पहला स्टॉक है वो है सेंचुरी प्लाईबोर्ड लिमिटेड वन डे टाइम फ्रेम। देखिए इसमें कितना अच्छा खासा पैटर्न इसमें बना हुआ आपको दिख रहा है। देखिए ये इन्वर्टेड कैप एंड हैंड, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है इसके अंदर और इसका अच्छा खासा ब्रेकआउट भी हो चुका है। देखिए कितना बेहतरीन पैटर्न बना हुआ है इसको, तो शोल्डर है, ये हेड है, ये शोल्डर है, तो इसको ऐसा लाइन ड्रॉ करके ये पूरा ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न पूरा बन जाता है। देखिए कितना अच्छा पैटर्न इसमें फॉर्म हुआ है और इसके अंदर अच्छा खासा ब्रेकआउट भी हो चुका है अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ। इसके अंदर बड़े इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट भी किया है इसके अंदर, तो जिसकी वजह से ये इसमें अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ ये ब्रेक किया गया है। अभी इसके अंदर हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर एंट्री अभी फ़िलहाल नहीं लेनी है। ये अभी इतना तक हम आगे रन कर चुका है, यहाँ से अगर देखा जाएगा तो ये कम से कम 6% तक का रिटर्न दे चुका है अभी फ़िलहाल, तो हमें फ़िलहाल यहाँ पे हमें एंट्री नहीं करनी है इसके अंदर। इसका हमें अभी रिट्रेस का वेट करना है। जब भी ये रिट्रेस होएगा यहाँ पे जरूर आने वाला ये स्टॉक, यहाँ पे आपको इसको स्टॉक को इस 5686 के लेवल पे ही आपको इसको बाय करना है। तो इसका लेवल रहेगा 568 का, यही लेवल पर आपको इसको बाय करना है। तो कभी भी ये इतना बड़ा कैंडल जब भी क्लोज होता है तो इसके ऊपर कभी नहीं ट्रेड लेना चाहिए, आपको जरूर रिट्रेस का वेट करना चाहिए क्योंकि ये रिट्रेस जरूर करता है। ऐसे बहुत से चांसेस है कि इसमें रिट्रेस करेगा, अगर नहीं करेगा ये, अगर इसके यहीं से इसमें पोटेंशियल ज़्यादा है कि यहीं से इसको ऊपर चला जाइए तो इस स्टॉक को इग्नोर कर देंगे, इस स्टॉक में एंट्री नहीं लेंगे, फिर ऐसे दूसरे कोई स्टॉक ढूंढेंगे और उसके अंदर हम एंट्री बनाएंगे अपना। अभी इसका हम रिट्रेस का वेट करेंगे, जब भी हमको ये हम इस प्राइस में मिलेगा 586 तभी हम इसको बाय करेंगे और इसका जो हम स्टॉप लॉस लगाएंगे 6-7% तक का स्टॉप लॉस लगाएंगे। हमारा यहाँ पे जो स्टॉप लॉस बन रहा है 6.10, तो ये हमारा 552 का जो स्टॉप लॉस है, ये हमारा 552 का स्टॉप लॉस इसमें बन रहा हुआ है, तो यहाँ तक हम इसको स्टॉप लॉस लगाएंगे। और जो इसका टारगेट हमारा निकल के आ रहा है, हम टारगेट देख लेते हैं इसका टारगेट कितना आ रहा है, टारगेट यहाँ से निकाला जाता है, टारगेट भी देखिए बहुत अच्छा खासा है इसमें टारगेट निकल के आ रहा है। हमारा टारगेट यहाँ से 25% तक का टारगेट निकल के आ रहा है, तो आपको बस इतना ही करना है कि जब भी आपका पास 6% कब का गेन हो तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ जो यहाँ से ले यहाँ है तो उठा के एंट्री पॉइंट पे ला दीजिए और उसको बड़े से बड़े टारगेट के लिए एकदम बेफिक्र बैठ जाइए और आपका बड़े से बड़ा टारगेट आराम से अचीव हो जाए अंदर। और आपको बस टेंशन नहीं रहेगा कि आपका स्टॉप लॉस 5-6 जाने के बाद आपस नीचे आ गया और हमारा स्टॉप लॉस मार दिया, तो जब भी आपका 5-6% बढ़े तब आपका जो स्टॉप लॉस है वो उठा के एंट्री पॉइंट पे ला दीजिए, बड़े से बड़े टारगेट के लिए बैठ जाइए, तो आप बिना टेंशन फ्री आप इसके अंदर अच्छा खासा टारगेट अचीव कर सकते हैं। और जो हमारा अंदर जो दूसरा स्टॉक है वो है, जो हमारा दूसरा स्टॉक है वो जो है वो है फर्टिलाइजर केमिकल लिमिटेड वन डे टाइम फ्रेम है। इसमें भी देखिए कितना खूबसूरत पैटर्न बना हुआ है, तो कप एंड हैंडल बोलते हैं, ये कप है और ये हैंडल है और इसका हैंडल में ब्रेक हो चुका है अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ। देखिए वॉल्यूम कितना बेहतरीन वॉल्यूम हुआ है, इसमें भी बड़े इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया रहेगा तभी इतने वॉल्यूम के साथ ब्रेक होता है। तो जब भी जो रिटेल इन्वेस्टर है वो छोटे 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 कैंडल में इन्वेस्ट करते हैं, ये सब जहाँ पे ये बड़ा ये वॉल्यूम के साथ ब्रेक होता है या वॉल्यूम क्रिएट होता है वहाँ पे बड़े इन्वेस्टर लोग इन्वेस्ट किए रहते हैं, तो आप इसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पे बड़े इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है। जहाँ पे बड़े इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है वहाँ से वो स्टॉक रॉकेट बन जाता है और यहाँ से उड़ने लग जाता है। इसमें भी देखिए कितना बेहतरीन अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया है बड़े वॉल्यूम के साथ और इसके अंदर भी आपको यहाँ पर एंट्री नहीं लेनी है। आपको इसके अंदर भी जो रिटेल इन्वेस्टर है उनको आने का मौका दीजिए, यहाँ पे आके एक या दो दिन यहाँ पे सस्टेन करेगा, यहाँ पे रिट्रेस करेगा, ये रिट्रेस करने के बाद आपको यहाँ का जो आपका जिसका पॉइंट बन रहा है एंट्री पॉइंट बन रहा है वो देख लेते हैं हम इसका क्या बन रहा है एंट्री पॉइंट।
यहाँ पे करीब इसका बन रहा है 344, 344 में आपको इसको बाय करना है। आपका यहाँ पे बाइंग रेंज बन रहा है वो है 343, और इसका जो स्टॉप लॉस निकल गया 6 से 7% तक का हम स्टॉप लॉस लेके चलते हैं कभी भी, तो हम इसका 6 से 7% इसका स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। जो यहाँ पे 8% तक का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा इसके अंदर, क्योंकि थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है। कम से कम हमें 8% तक का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा इसके अंदर, और इसके अंदर टारगेट बहुत बड़ा है तो कोई टेंशन नहीं है अपने को। टारगेट भी बहुत बड़ा, हम इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करते करते हम टारगेट भी अच्छा खासा ले सकते हैं। यहाँ से हमारा जो टारगेट है निकल के आ रहा है, इतना बेहतरीन टारगेट निकल के आ रहा है इसके अंदर। इसके अंदर 52% तक का आपका जो आपका जो भी कितना भी लगाएंगे आप पैसा उसके अंदर, आपका 50% तक का इसमें टारगेट दे सकता है। और इसमें बेहतरीन स्टॉक है तो ये भी आपको अच्छा खासा रिटर्न बनाने के बना के दे सकता है। इसको भी एज ए स्विंग ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। और आप जो भी हम स्टॉक लेंगे वो आपके फाइनेंशियल एडवाइस और खुद के एनालिसिस के बाद ही लीजिए। और ये जो भी वीडियो बना रहा हूँ ये फुल्ली एजुकेशनली पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। ये बाय और सेल का मैं कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। और ये इसके अंदर देखिए कितना अच्छा पैटर्न ये है वो कप एंड हैंडल, तो इसमें आप इसको स्विंग ट्रेड के लिए कंसिडर कर सकते हैं। जो हमारा थर्ड स्टॉक जो निकल के आ रहा है हमारा वो है किर्लोस्फर जो हमारा ये थर्ड स्टॉक निकल के आ रहा है। इसके अंदर देखिए कि ये अच्छा खासा अप ट्रेंड में चल रहा है ये स्टॉक, अच्छा खासा देखिए इसमें अप ट्रेंड में चल रहा है ये। और ये यहाँ पे आने के बाद इसने कंसोलिडेशन किया, 1-2-3 ऐसा कंसोलिडेशन करने के बाद इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। इसमें भी बड़े इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया रहेगा तभी इसमें ब्रेकआउट मिला है। और यहाँ पे ब्रेकआउट मिलने के बाद ये ना ऊपर कम से कम कितना परसेंट तक ऊपर चला गया, यहाँ से 6% तक ऊपर चला गया है। तो हम अभी इधर का वेट एंड वॉच का सिनेरियो देखेंगे। यहाँ पे हम वेट करेंगे कि ये कब हमारा रिट्रेस करता है, और रिट्रेस करके 475 के लेवल तक आता है। जब भी ये 475 के लेवल में आके सस्टेन करेगा, यहाँ पे आके 1-2 दिन बिताएगा, तब हम यहाँ पे आके इसको एंट्री लेंगे और इसके अंदर हम बड़े से बड़े टारगेट के लिए बैठ जाएंगे। जो हमारा देख लेते हैं इसका, हम यहाँ पे बैठेंगे इसका टारगेट और स्टॉप लॉस क्या निकल के आ रहा है वो देख लेते हैं हम। हमने यहाँ पे एंट्री लिया, हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा 6.8 या अप्रोक्स 7% तक का हमारा स्टॉप लॉस है इसके अंदर। और हम इसमें एक्सपेक्टेशन हम 15% तक का रख सकते हैं या उससे भी ऊपर तक का रख सकते हैं। कि ये ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है तो इसमें और भी पोटेंशियल है कि ये और भी ऊपर जा सकता है। तो इसके अंदर हम 50% तो मान के चलते हैं, 50% मान के चलते हैं कि 50% हमारा टारगेट है। और हम जब भी हमारा 6 से 7% तक का हमको गेन हो जाएगा परसेंटेज, तब हम इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करेंगे। हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो यहाँ पे आके शिफ्ट कर देंगे और हम बड़े से टारगेट के लिए बैठ जाएंगे बेफिक्र। तो ऐसे ही आपको ये बड़े से बड़ा टारगेट अचीव करने के लिए आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सीखना ही पड़ेगा, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का हर स्टॉक में आपको यूज़ करना है, तभी आप इसके अंदर बड़े से बड़ा टारगेट अचीव कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी टेक्निक पूरा 100% करेक्ट नहीं होती है। अगर ये हमने जो एनालिस किया है इसमें हमारा स्टॉप लॉस भी हिट्स हो सकता है, 1-2 बार हमारा स्टॉप लॉस भी हिट्स हो सकता है, तो उससे कुछ टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है, क्योंकि स्टॉप लॉस भी ज़रूरी है। और जो जिसमें हमें टारगेट मिल रहा है या उससे भी ऊपर जा रहा है, तो हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करते करते हमें जो हमें प्रीवियस हमारे स्टॉप लॉस यूज हिट हुए हैं वो भी उसमें रिकवर हो जाएंगे और अच्छा खासा हमें प्रॉफिट बना के देंगे। ट्रायल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जरूर यूज़ कीजिए बड़े से बड़ा टारगेट यूज़ कर हिट पाने के लिए। और ये बड़े से बड़े प्रोफेशनल लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करते हैं बड़े से बड़ा टारगेट पाने के लिए। और उन लोग का जब भी टारगेट हिट हो जाता है 10-15% तक का, वो लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करते हैं कि और भी ज़्यादा अच्छा खासा टारगेट हो। एक ही स्टॉक में 2 स्टॉक में अच्छा खासा वो लोग परसेंट बना लेते हैं, और जो बाकी स्टॉक रहते हैं उसमें उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। और जो अच्छा खासा चलते उसके अंदर वो लोग रैली को एंजॉय करते हैं और बड़े से बड़े रैली को एंजॉय करके बड़ा सा बड़ा प्रॉफिट बना के निकल जाते हैं।
आई होप आपको हमारा ये एनालिसिस अच्छा लगा रहेगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।